अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। और आज मैंने वीडियो ही नहीं शुरू की। मैंने कहा अभी काफ़ी टाइम हो गया, तो शाम सो रहा है और अभी देखती हूँ किचन में भी काम शाम ख़त्म हुआ हुआ है। अच्छा, और जी इधर से अरसलान आ गया, ये कोई पार्सल आया, पार्सल लेके आया है। आ गया पार्सल, अभी फिर हम पार्सल ओपन करेंगे। ये जी आरिश खोलने लगा है पार्सल, आरिश के पास आ गया। आरिश कहता है मुझे दो। अब आरिश को हम दे रहे हैं, फिलहाल आरिश चेक करेगा, फिर हम इसको ओपन करेंगे। हाँ जी, इधर कोई हमारे मेहमान भी आए हुए हैं, ये देखो, ये मेरी दोस्त भी हैं, मेरी भाभी भी हैं, मेरी बहन भी हैं, करने लगे हैं पार्सल ओपन। इधर जी नाखून कटे जा रहे हैं। चलो जी, इनकी कोई अच्छा कुछ, बस ठीक हो गया। बस चलो जी, काटो काटो। आरिश भागता हुआ आया है कि पता नहीं क्या कर रही है मेरी मामा, इनको मैं देख लूं पहले। ये हो गया, ये आया क्या है, ये क्या चीजें हैं? ये देखो, ये देखो, ये गिफ्ट है, ये अच्छा, ये पार्सल के साथ गिफ्ट दिया उन्होंने आरिश के लिए भेजा है। आरिश ये चाबियां हैं। चलो ये क्या चीज है, पेंट। अच्छा, ये भी पेंट है, ये सारी पेंटें ही हैं। अच्छा, ये आई हैं आरिश की पेंटें। खोलो जी, अब हम सारे इसको ओपन करो। अच्छा जी, ये मुझे दो, दादी की तस्वीर बनानी है तो खड़ा हो रहा हूँ। दादी तस्वीर बनानी है, दादी दर रखना, दादी दर कुलमुख कुलमुख करना पे। ये दूसरी पेंट, ये है ब्लैक। अच्छा जी, ये हो रहा है नाश्ता जी। बन रही हूँ। अच्छा, क्या बन रहा है? ये सालन। सालन बना रहे हो? ऐसे सालन होता है? इतनी मिर्चें, कम मिर्चें डालो। ये जी अंडा तैयार हो रहा है, अपना नाश्ता बंदा देखो बना लेता है, अपने लिए कुछ भी बंदा कर लेता है, किसी और के लिए कौन हो, के लिए काम नहीं होता, अपने लिए हो जाता है सारे काम। अच्छा, ये सही कह रही, वाकई आता है। गुजारा हो गया, बन गया। ऐसे शाम नाश्ता कर रहा है। ये जी आज हम बनाने लगे हैं ये वाली दाल, साबुत मूंग की दाल।
ये आज बनाने लगे हैं, पता नहीं अब किसी को पसंद आएगी या नहीं आएगी, देखते हैं क्या करते हैं। दिल तो आ रहा था कि ये बना के खाएं। अच्छा जी, ये जी अरसलान क्या क्या लेके आए हो? दो बार आपने अच्छा जी बोल दिया। नहीं पहले नहीं किया था, प्ले नहीं किया था। अच्छा, क्या क्या लेके आए हो? ये क्या क्या चीज़ें? ये एंट्रीज हैं, एयरपोर्ट्स हैं, पावर बैंक है, कूलिंग फैन है, सब गैजेट्स हैं। चीज़ें वो पकड़ते जाओ ना, उनको पता चले ना कौन कौन सी चीज़ क्या चीज़ है। ये एयरपोर्ट प्रो है, ठीक है, ये आपको मिलेंगे 3,000 रुपये के फुल एंड फाइनल। अच्छा, ये एयरपोर्ट थर्ड जनरेशन है, 3,500 रुपये की मिलेगी, मास्टर कॉपी है। ये है स्पेस की, ये प्रीमियम क्वालिटी में एंट्री है, ठीक है। ये वाली मिलेगी फुल एंड फाइनल 650 रुपये की। ये एयरपोर्ट की तरह वायर में होती है, ठीक है, स्पेस कंपनी की है, और मैं इसकी 1 महीने की वारंटी देता हूँ। वैसे तो आप अगर तार ख़राब ना हो तो कोई इशू नहीं है, हम लोग अगर एहतियात से यूज़ की करें तो मतलब इसका ना ख़राब होने का कोई सिलसिला नहीं है। मतलब हैंड फ्री को एहतियात से यूज़ किया जाए तो कोई इशू नहीं बनता, क्योंकि वायर होती है ना, वायर अगर मुड़ेगी तो ख़राब हो जाएगी। इसका साउंड सेम लुक लाइक आप कर लेंगे एयरपोर्ट्स प्रो वाला साउंड है, ठीक है। ये आपको फुल एंड फाइनल मिलेगी 950 रुपये की, 1,000 रुपये की या 950 रुपये की, डिपेंड करता है आप कौन से सिटी से हैं। ये वाली आपको मिलेगी 650 रुपये में, ये भी स्पेस कंपनी की है, इसका मॉडल नंबर है 540, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास कूलिंग फैन, जो पबजी प्लेयर यूज़ करते हैं, ये आपको मिलेगा फुल एंड फाइनल 2,500 रुपये का। ये आ गया टाइप सी कनेक्टर, ये आपको मिल जाएगा फुल एंड फाइनल 300 रुपये का, ठीक है, मतलब कम रेट में। ये वैसे मार्केट में 400 से 500 रुपये का ये, लेकिन मैं 300 रुपये का दूंगा। इसके बाद आ जाते हैं अडाप्टर पे, ओप्पो का अडाप्टर आया हुआ है, ठीक है, ओप्पो का अडाप्टर है ये, ओप्पो का अडाप्टर है ये वाला 3.0 वाला, ठीक है, अंदर से जो ग्रीन होता है, ये आपको मिलेगा फुल एंड फाइनल 400 रुपीज़ का, ठीक है। फिर रियल मी की केबल्स हैं, ठीक है, रियल मी की केबल्स आई हुई हैं। इसके अलावा सैमसंग वाली केबल पड़ी हुई है हमारे पास, ठीक है, ये वाली केबल 200, ये वाली केबल 200 से 150, ये वाली केबल 200, ठीक है। और इसके अलावा टाइप सी केबल पड़ी हुई है, टाइप सी टू टाइप सी केबल जो सी है, ये मिलेगी आपको 270 रुपीज़ की, और 250 तक जा सकती है, ठीक है। और फिल वक्त हमारे पास और क्या है, बस इतना ही है हमारे ये पास। क्या चीज़ है ये मेरे पास कस्टमर का आया हुआ आईपैड मिनी 3, ठीक है, इसका पैनल चेंज होने वाला है और ये मैंने पैनल चेंज करना है बकाया। हाँ, जो लोग सैमसंग के फ़ोन यूज़ करते हैं उनके लिए ये वाला इन्फिनिक्स का डब्बे वाला चार्जर पड़ा हुआ, ठीक है, मतलब ये मेरे पास काफ़ी बल्क में पड़ा हुआ है, तकरीबन 100-200 पीस चाहिए हो तो मिल जाएगा किसी शॉप वाले को भी। और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है सैमसंग के फ़ोन को, सही हाई क्वालिटी में बना हुआ, ठीक है। ये वाला अगर होलसेल में कोई लेता है तो उसको रेट कम हो जाएगा, वैसे एक सिंगल पीस 380 से 400 का ही दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत अच्छी क्वालिटी में बना हुआ है। ओरिजिनल डब्बे में जो डब्बे दोबारा रीपैक होते हैं उनमें डलता है ये, ठीक है। और बल्क में कोई लेगा तो उसका रेट व्हाट्सएप पे नंबर डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, वहाँ से व्हाट्सएप पे आ जाओ तो बात हो जाएगी। जजाकल्ला, आज के लिए इतना ही स्टॉक है, और बकाया मेरी अम्मी का ब्लॉग आगे जो लोग देखते हैं लाइक किया करो, शेयर किया करो यार, जजाकल्ला। अच्छा इधर जी हमारी दाल अभी हो रही है तैयार, प्रेशर लगा हुआ है तो दाल को तो अभी कुछ टाइम है, लेकिन ठीक है, फिर अभी आपसे लेते हैं इजाज़त, मिलते हैं किसी और ब्लॉक में, तो अल्लाह हाफिज़।